हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक, वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो गाइस, मोस्टली क्या होता है कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, जो कि ए ग्रेड या बी ग्रेड एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं, तो उनका सिलेबस जो होता है वो मिलता जुलता ही होता है। बट जो प्रॉब्लम आती है या फिर जो डिफरेंस आता है वो आता है कि डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है एग्ज़ाम्स का वो डिफरेंट होता है। तो देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज और यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी एक डिफ़िकल्टी लेवल है और एक पैटर्न की कितनी तरीके के क्वेश्चन, और मतलब कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आपसे ईपीएफओ में पूछे जाएंगे और कितने सिविल सर्विसेज में पूछे जाएंगे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अब यूपीएससी ईपीएफओ के लिए स्पेसिफिकली जो है करंट अफेयर्स के लिए ये वीडियो सीरीज शुरू की है, जिसमें हम जितनी भी 6-7 जितनी भी न्यूज़ होंगी डेली की, करंट इवेंट्स फॉर स्पेसिफिकली ईपीएफओ, पहले उसको बताएंगे आपको। जैसे ही मेरे पास कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एमसीक्यूज़ भी स्टार्ट करूं, तो देखिए आपके साथ के साथ रिवीजन होती जाए, आपको पता चलता जाए कि क्या आप एमसीक्यू ढंग से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए लास्ट में मैं 4-5 एमसीक्यूज भी ऐड करूंगी, तो आप चाहे तो ये कर सकते हैं, आपकी उस वीडियो को जैसे ही ख़त्म होगा करंट इवेंट्स का टॉपिक, तो पोज करके फिर एक बार रिवीजन करके उसको, जस्ट एक बार बैक जाके तो उसको रिवाइज करके फिर आप दोबारा एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उसी को अच्छे से जब मैं आपको बोल रही हूँ, कोई भी चीज़ समझा रही हूँ, तो आप उसको माइंड में साथ साथ मेरे साथ बोलते जाएं, और फिर जब लास्ट में मैं एमसीक्यूज आपको दे रही हूँ तो आप उसे सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ ही। तो देखिए, ये वाली जो चीज़ है ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो देखिए, इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके और शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस ला सके। तो आज जो न्यूज़ है उससे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये वाली जो दो न्यूज़ है ये मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ, बट अब मैं एमसीक्यू के साथ जो सिर्फ आपका छोटा सा करंट इवेंट्स का पोर्शन है ईपीएफओ के लिए, उसके हिसाब से आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, जो एमपीएलएडीएस फंड है उसके नॉन ऑपरेशन को अप्रूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली न्यूज़ क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एमपीएलएडीएस के अंदर जो भी फंड दिए जाते थे तो उसको जो है अप्रूव कर दिया है कि उसका ऑपरेशन अब नहीं होगा। और यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखने की, ये जो ऑपरेशन कैंसिल किया गया है ये 2 ईयर्स के लिए किया गया है, ताकि जो COVID-19 की सिचुएशन आई है उसको मैनेज किया जा सके। तो बेसिकली ये जो फंड्स है अब ये किस लिए यूज़ होंगे कि जितने भी गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं मतलब COVID-19 को मैनेज करने के लिए, या फिर जो उससे रिलेटेड चैलेंजेस है उससे डील करने के लिए, वो उसमें यूज़ होंगे और 2 साल के लिए यूज़ होंगे। यहाँ पे देखिए, बेसिकली आपको एमपीएलएडीएस के बारे में पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया था, और यहाँ पे बेसिकली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, एमपी होते हैं, उनको फंड्स एलोकेट किए जाते हैं ताकि वो डेवलपमेंट वर्क कर सके। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट वर्क एमपीज के थ्रू किए जाते हैं वो एक ड्यूरेबल कम्युनिटी को क्रिएट करते हैं, मतलब कि एक एसेट्स क्रिएट करना जो कि पूरी ही कम्युनिटी के यूज़ में आ सके, और जो लोकली ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की सिर्फ उनको ही यहाँ पे डेवलप किया जाता है। एक चीज़ जो आपको अपने प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से और याद रखने की, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वो एमपीएलएडीएस फंड को रेगुलेट करता है और देखता है कि ये किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है। और ये जो फंड है ये नॉन लैप्सेबल फंड है। और एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि जो फंड है वो ₹5 करोड़ जो है एनुअल फंड मिलता है एमपी को फॉर दिस डेवलपमेंट वर्क। तो अब ये जो ₹5 करोड़ है 2 साल के लिए नहीं मिलेंगे उन्हें। नेक्स्ट न्यूज इज लेजिस्लेचर सैलरी कट बाय 30%। तो ये देखिए, इसके ऊपर मैं स्पेसिफिकली अलग से वीडियो बना भी चुकी हूँ। एक चीज़ और, आप वीडियो देखते नहीं हैं फिर देखिए ये मत कहिएगा कि हमारा ये वाला टॉपिक रह गया है। आज ही मैंने एनएसए के ऊपर इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री के प्रीलिम्स रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं और उसके व्यूज़ इतने कम है, आप लोगों ने उस चीज़ को देखा नहीं है। तो गाइस, मैं स्पेसिफिकली एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए बना रही हूँ, तो सारी वीडियोज़ को देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट आपको उसमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सैलरी कट की जाएगी, तो उसमें 30% सैलरी जो है वो अब गवर्नमेंट के जो एमपीज है, या फिर जो हम प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं हमारे, तो प्राइम मिनिस्टर और जो एमपीज है उन सबके जो सैलरीज है उनको कट कर दिया जाएगा 30% तक। और ये जो अमेंडमेंट लाई गई है वो सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के अंडर लाई गई है। तो देखिए, ये तो बेसिकली अमेंडमेंट ला के किया गया 30% रिडक्शन। वहीं पर जो हमारे देश के ऑनरेबल प्रेजिडेंट है, वाइस प्रेजिडेंट है, और जो स्टेट गवर्नर्स है उन्होंने अपने आप डिसाइड किया, वॉलंटरली डिसाइड किया है कि वो भी 1 साल के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी 30% सैलरी में से कट ऑफ करेंगे।
तो देखिए ये जो 30% सैलरी कट ऑफ हुई है अब ये कहाँ जाएगी, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर सेव होगा अमाउंट जाके। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो प्रीलिम्स रिलेटेड पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए वो ये होने चाहिए कि देखिए पहली बात तो पार्लियामेंट चैप्टर का ये पार्ट फॉर्म कर रहा है, तो पार्लियामेंट चैप्टर तो मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी रेवेन्यूज होते हैं गवर्नमेंट के जो कि टैक्सेस के थ्रू आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, वो सभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर ऐड होते हैं। वहीं पर जितने भी एक्सपेंसिस गवर्नमेंट करती है, एक्सपेंडिचर खर्च करती है, खर्चा कर रही है, तो वो भी जो है चाहे तो बोरोइंग्स हो गए या लोन्स की तरह किसी भी तरीके से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही होता है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आर्टिकल 266 जो है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को डिस्कस किया गया है, तो ईपीएफओ के लिए ये प्रीलिम्स पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सेंटर में जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है वैसे ही हर स्टेट के अंदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भी होते हैं, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट लाइफलाइन उड़ान। तो देखिए लाइफलाइन उड़ान जो है वो बेसिकली अभी जो लॉन्च की गई है वो इसलिए की गई है कि जो मेडिकल कार्गो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी जो है मेडिकल कार्गो के लिए मतलब वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री में पहुँचाया जा सके मेडिकल हेल्प, तो यहाँ पे फ्लाइट्स को लॉन्च किया गया है जिनको नाम दिया गया है लाइफलाइन उड़ान का। तो यहाँ पे जो है ये रिमोट और जो हिली एरियाज है उनको भी कवर करेंगे, और जितने भी मेडिकल चीज़ें हैं या फिर जो असेंशियल इक्विपमेंट है या फिर मेडिसिन है वो उनको यहाँ पे इन एरियाज में पहुंचाया जाएगा। और इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू ताकि COVID-19 की जो सिचुएशन है उसमें इंडिया की फाइट को हेल्प किया जा सके। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ये पब्लिक को हेल्प करने के लिए किया गया है। और देखिए ये जो फ्लाइट का स्टेटस है कि ये किस तरीके से रेगुलेट होगा वो एक पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा, और ये जो पोर्टल है इसको डेवलप किया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के थ्रू। तो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर प्रीलिम्स जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज एनसीसी योगदान इनिशिएटेड। तो ये क्या है बेसिकली, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो इसको लॉन्च किया है या अलाउ किया है। यहाँ पे क्या होगा कि देखिए जो एक्सरसाइज एनसीसी योगदान है मतलब यहाँ पे जो एनसीसी के अंडर टेम्परेरी इम्प्लॉय किया जाएगा इंडिविजुअल्स को, मतलब जो एनसीसी कैडेट्स के पर्सन है उनको इंप्लॉय किया जाएगा। बट एक चीज़ याद रखनी कि ये टेम्परेरी इंप्लॉयमेंट की जा रही है, और यहाँ पे जो एनसीसी के वो कैडेट्स के पर्सन होंगे वो अपना योगदान देंगे COVID-19 के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो है एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट और म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटीज़ में, जिसमें कि वो उनकी हेल्प कर सकते हैं COVID-19 के रिलीफ एफर्ट्स के अंडर। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ और आपको याद रखनी है कि नेशनल कैडेट कोर्प्स है क्या। तो देखिए जो हमारे आर्म फोर्सेस है उसकी ये यूथ विंग है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और यहाँ पे देखिए ये जो नेशनल कैडेट कोर्प्स होती है मतलब कि एनसीसी जिसको हम कहते हैं, ये स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन होती है। तो जो भी कॉलेज या स्टूडेंट जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना वॉलंटरी बेसिस पे यहाँ पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो नेशनल कैडेट कोर्प्स होता है उसका क्या फंक्शन होता है कि जो यूथ है कंट्री का उसको एंगेज करना ताकि उनके अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन हो सके, क्योंकि हम आज देखते हैं कि हम लोगों के अंदर जो मेन कमी होती है वो डिसिप्लिन की होती है, जिसकी वजह से हम अपनी एम्स को अचीव नहीं कर पाते। तो यहाँ पे डिसिप्लिन को एक तरीके से इंक्लूड करना लोगों की लाइफ में, और जो सिटीजन्स है उनके अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग्स को डेवलप करना। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस रिपोर्टेड। तो देखिए आज तक हमने देखा था कि एनिमल जो होता है उसके थ्रू ह्यूमन के अंदर जो है ट्रांसमिशन होता है, बट पहली बार ऐसा देखा गया COVID-19 के केस में कि ह्यूमन से एनिमल के अंदर ट्रांसमिशन हुआ है। तो ये कैसे हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जो है पहले मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज नादिया, ये एक टाइगरस है। तो यहाँ पे 4 ईयर और जो नादिया है इनको एक वायरस से मतलब कोरोना वायरस जो है उनसे इन्फेक्टेड पाया गया है, क्योंकि जू के जो एम्प्लॉई थे उनमें कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे थे और वो इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे, तो इस वजह से ये भी इन्फेक्ट हो गई है। तो अभी तक जो हम देख रहे थे सिनेरियो उसमें क्या था कि ह्यूमन से ह्यूमन का इन्फेक्शन हो रहा था। तो अब जो है बेसिकली अब ये पॉसिबल है कि जो वायरस है उसने आपको म्यूटेट कर लिया हो। देखिए म्यूटेट का मतलब क्या होता है, और ये आपका जो है जनरल साइंस का टर्म है, इसको मैं आपको बता दूं कि एकदम से जो हमारी बॉडी के अंदर जीन्स होते हैं वो जीन्स जो होते हैं किसी भी स्पीशी के अंदर होते हैं उसके अंदर एकदम से जो सडन चेंज आ जाता है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो वायरस जो होता है अब हमें पता है कि वो रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा होगा, तो वो अपने आप को म्यूटेट कर सकता है ताकि वो ह्यूमन से ट्रांसमिट हो सके दूसरी स्पीशीज़ के अंदर, और वो वहाँ जाके सर्वाइव कर सके, क्योंकि वायरस को सर्वाइव करना है चाहे वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव करे। तो ये नादिया है जो कि इन्फेक्ट हुई है, ये जो है ये एक मलायन टाइगर है। तो मलायन टाइगर क्या है बेसिकली, ये
जो है पॉपुलेशन ऑफ पेनिनसुलर मलेशिया के अंदर मिलती है, और इसके जो साइंटिफिक नाम है वो है पेंथेरा टिग्रिस टिग्रिस। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली जो साउदर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ मले पेनिनसुला है जो कि मलेशिया का पार्ट है, तो ये वहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर हम IUCN की रेड लिस्ट में देखते हैं तो 2015 के अंदर इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड का स्टेटस दे दिया गया था। आप देखिए ज्योग्राफिकली मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे UPSC में पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आप देखिए कि ये जो येलो पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, मले पेनिनसुला है। तो इसके आसपास कौन सी चीजें हैं, तो हियर इज आवर इंडिया, तो इंडिया से क्या इसकी डिस्टेंस है ये चीज आप देखिए। तो इंडिया से जो मले पेनिनसुला है उसके बीच में क्या आती है, एक तो आती है अंडमान सी, और दूसरा फिर ये मले पेनिनसुला आ गया। एक चीज़ और जो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखनी है कि जो मलक्का स्ट्रेट है, यहाँ पे अभी मलक्का स्ट्रेट न्यूज़ में भी था, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये भी मले पेनिनसुला के बिल्कुल साइड में सिचुएटेड है। और उसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या प्रेजेंट है, तो साउथ चाइना सी जो है वो बिल्कुल इसके पास आती है। और देखिए ये वाला जो मले पेनिनसुला का पार्ट, ये येलो वाला मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला पार्ट और ये जो ये वाला पार्ट है ये दोनों ही मलेशिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसको मैं दोबारा एक बार मैप में आपको दिखा देती हूँ। तो ये है अंडमान सी, ये हमारा एशिया हो गया, फिर ये मले पेनिनसुला हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि मले पेनिनसुला जो है उसके पास कौन से कंट्री है, तो यहाँ पे फिर सुमात्रा आ जाता है, और सुमात्रा के नीचे फिर हमारा इंडियन ओशन आ जाता है, और यहाँ पे कंट्री है बोर्नियो। तो ये सारी चीज़ें आप मैप बेस याद रखिएगा। ये जो फोटोज़ है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगी। और उसके बाद देखिए ये वाली जो है ये प्रीलिम्स रिलेटेड नहीं है, बट देखिए पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि इन्फोडेमिक वर्ड जो है वो मे भी पूछा जा सकता है, और हमें अपने प्रीलिम्स के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। तो इन्फोडेमिक क्या है, वो एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब हमें पता है कि लॉकडाउन हो रखा है, लोग सब खाली बैठे हैं, तो सोशल साइट्स का जो यूज है वो बहुत ज्यादा हो गया है, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है, इंफॉर्मेशन के लिए हो सकता है। तो यहां पे जब देखिए इंफॉर्मेशन का ओवरबंडेंस हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है, तो जो लोग हैं वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी बात जो है वो सच है और कौन सी बात झूठी है और मिसलीडिंग है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है तो उसको हम इंफोडेमिक कहते हैं। तो ये जो अभी लॉकडाउन चल रहा है ये इंफोडेमिक का टाइम चल रहा है। तो अब हम नेक्स्ट MCQs को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट MCQ इज कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव नॉन ऑपरेशन ऑफ MPLADs फॉर 1 ईयर, फंड्स विल बी यूज टू स्टैंडर्ड गवर्नमेंट्स एफर्ट्स इन मैनेजिंग COVID-19 इन कंट्री। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट है, अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए इज 1 ओनली, बी इज 2 ओनली, ये जो वाला ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2, ये सी ऑप्शन है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, और जो नाइडर D12 है ये डी ऑप्शन है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, ओके डन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पे है वो गलत है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने नॉन ऑपरेशन ऑफ MPLADs 1 ईयर के लिए नहीं 2 ईयर्स के लिए किया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, B2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस फॉर रिड्यूसिंग सैलरी बाय 30% फॉर 1 ईयर। सेकेंड इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 266 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि सैलरी रिड्यूस होगी 30% तक एक साल के लिए, और दूसरा कहा गया है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 के अंडर आता है। तो यहाँ पे आपको बतानी है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है, ए इज 1 ओनली, बी इज 2 ओनली, सी इज बोथ 1 एंड 2, एंड डी इज नाइदर 1 नॉर 2। तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए, ठीक है, ओके डन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे जो है 30% सैलरी एक साल के लिए घटाई गई है, और आर्टिकल 266 के अंडर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आता है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट लाइफलाइन उड़ान वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड सेकंड इज द पोर्टल टू ट्रैक देयर फ्लाइट्स इज डेवलप्ड बाय नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर। अगेन आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए इज 1 ओनली, बी इज 2 ओनली, सी बी 1 एंड 2, एंड बोथ 1 एंड 2, एंड डी इज नाइदर 1 नॉर 2। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए, ओके डन। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 2, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू ही किया गया है, और नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर जो है वो इसको पोर्टल को कर दिया है। वन थिंग मोर गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो को आगे लेके जाए सीरीज को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट ऑफ NCC कैडेट्स इज बींग अलाउ अंडर एक्सरसाइज NCC योगदान। नेक्स्ट इज नेशनल कैडेट कोर्प्स इज यूथ विंग ऑफ इंडियन नेवी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स के बाद आपको बताना, ए इज 1 ओनली, बी इज 2 ओनली, सी बोथ 1 एंड 2, एंड डी इज नाइदर 1 नॉर 2। तो इसे अटेम्प्ट कीजिए,
ठीक है डन। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है, ये इंडियन नेवी का नहीं बल्कि यूथ विंग है, इंडियन आर्मी का। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वन ओनली, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज मलेन टाइगर इनहिबिट्स द साउदर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मले पेनिनसुला एंड नेक्स्ट इज इट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज एंडेंजर ऑन द IUCN रेड लिस्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी ए इज वन ओनली, बी इज टू ओनली, सी बी बोथ वन है, टू है, डी इज नाइदर वन नॉट टू, ठीक है ओके डन। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि एंडेंजर्ड नहीं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है मले टाइगर इनहिबिट्स, मले टाइगर जो है और ये साउदर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ मले पेनिनसुला में ही मिलते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो हेयर वी कंप्लीट आवर करंट इवेंट्स एंड MCQs। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच।